इरवावी आओ आओ सुनो कहानी जहाँ है डरपोक राजा, बहादुर रानी और उड़ती मछली और तैरती शेरनी। आओ आओ सुनो कहानी। मटको भेड़ बहुत मोटी है और अपने बाड़े में नहीं घुस पाती है। दूसरी भेड़े उसे तरह तरह की कसरत करने की सलाह देती है, लेकिन बात नहीं बनती। अंत में मटको ये समझ जाती है कि वो जैसी है वैसी ही ठीक है और अपनी समस्या का चतुराई से हल निकाल लेती है। कहानी का शीर्षक है मैं ऐसी ही हूं। कहानी लिखी है बिंदु गुप्ता, चित्र बनाए हैं कनक शशि और कहानी पब्लिश की है रूम टू रीड। कहानी सुना रही है असावरी दोषी। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और आर्टिकल सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.booksthatspeak.com। चलिए मिलते हैं मटको से। शाम ढले भेड़े घर लौट रही है, रोज की तरह सब खुश है, पर मटको उदास है। उसे फिर से बाहर सोना पड़ेगा। बाड़े का दरवाजा छोटा जो है वो उसमें घुस ही नहीं पाती। योगी ने कहा तुम योग किया करो, जल्दी पतली हो जाओगी। अगले दिन से मटको ने योग शुरू किया। कई दिन गुजर गए पर बात ना बनी। दौड़ी ने सलाह दी तुम दौड़ा करो, जल्दी पतली हो जाओगी। उसने दौड़ना शुरू किया। कई दिन गुजर गए पर बात ना बनी। तेरू ने भी सलाह दे डाली तुम तैरा करो, जल्दी पतली हो जाओगी। उसने तैरना भी शुरू कर दिया पर बात ना बनी। बन्नी इतराती हुई साइकिल पर आई, बोली तुम रोज साइकिल चलाया करो। मटको ने कहा अब बस बहुत हुआ। मटको कुछ देर बाद लौटी एक थैला लेकर। थैले में कुछ औजार थे। अगली सुबह मटको अंदर सो रही थी। सबने पूछा अरे तुम अंदर कैसे आई, क्या तुम पतली हो गई, ये योग से हुआ या फिर दौड़ने से। मटको ने कहा दरवाजा कुछ बड़ा हो गया है, मैं जैसी हूं वैसे ठीक हूं। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियां, तो चलो मेरे साथ www.booksthatspeak.com पर। एरवावी।